नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशान। नेशनल रूडो 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दीजिए खबर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से। बहू ने अपनी सास को प्रताड़ित कर घर से बाहर निकाला। वृद्ध महिला को परेशान देखकर एक मुस्लिम महिला आई सामने और उस वृद्ध महिला का बनी सहारा। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद शहर का है, जहां पर बहू ने अपनी सास को प्रताड़ित कर घर से बाहर निकाल दिया। खाने के लिए खाना नहीं दिया और न ही उनकी दवा का बहू इंतजाम करती है। घर से बहू ने अपनी सास को बेघर करते हुए उनको भद्दी भद्दी गालियां दी, जिससे वृद्ध महिला काफी सदमे में है। वृद्ध महिला बीमारी की हालत में फिरोजाबाद के सरकारी अस्पताल पहुंची, जहां पर उन्होंने अपना पूरा दुख कैमरे पर बयां किया। बताया, मैं काफी लंबे समय से डायबिटीज से पीड़ित हूँ। मेरे दो बेटे हैं और दो बहू हैं। दोनों बहू मिलकर मुझे तंग करने का काम करती हैं। खाने के लिए खाना नहीं देती तो वहीं मुझे दवा दिलाने के लिए भी डॉक्टर के पास नहीं ले जाती। वृद्ध पीड़ित महिला फिरोजाबाद थाना उत्तर क्षेत्र सरस्वती नगर की रहने वाली है। वृद्ध महिला के दो बेटे हैं। वहीं वृद्ध महिला की नातिन ने जब अपनी दादी के लिए आवाज उठाई तो उस बच्ची को भी बोलने नहीं दिया गया। मेरा नाम सुधा शुक्ला है। क्या हुआ आपके साथ? कहाँ की रहने वाली हैं आप? मैं हरियाणा की रहने वाली हूँ। यहाँ कहाँ रहती है फिरोजाबाद में? यहाँ क्लब चौराहे के पास, दो नंबर गली सरस्वती नगर। क्या हुआ आपके साथ? मुझे अपने ही परेशान करते रहते हैं, मैं उन्हीं से परेशान हूँ। घर नौती मेरी हमेशा मदद करिए, खिलाया है पिलाया है, सब तरह से सहायता करिए। और मेरे मालिक हैं वो 500 रुपये रोज कमाते, फिर भी पता नहीं क्यों मुझे परेशान रखते हैं। पूरा भार संभालते नहीं संभालते, बच्चों का वजन बच्चों पर डालो ना, क्यों तुम संभाल रहे हो? बच्चे क्या करते हैं? बच्चे मेरे प्राइवेट नौकरी करते हैं। कहाँ पे नौकरी करते हैं? एक तो यहाँ गीतांजलि वालों के यहाँ करता है। क्या नाम है उसका? शिवम शुक्ला। और एक गोविंद शुक्ला। बुका करता है? गोविंद घंटा घर पे करता है, मेडिकल स्टोर पे। कौन सा मेडिकल स्टोर है? प्रकाश। अच्छा, तो परेशान कौन करता है आपको? लड़के से परेशान करते हैं कि उनकी बहुएं परेशान करती हैं? बड़ी बहू रोज कहती मर जाओ मर जाओ। कैसे मर जाओ? मेरे हाथ की बात हो तो मैं मर जाऊँ, बताइए आप। बड़ी बहू रोज कहती मर जाओ मर जाओ मर जाओ, तुम परेशान करती हो, मर जाओ, कहाँ भी चले जाओ, मरना क्या, मेरे हाथ की बात है जीना। कहाँ से शादी करी थी आपने अपने लड़के की? बड़े वाले फरकाबाद से। दोनों बच्चों शादी फरकाबाद से हुई है, दोनों दुष्ट नहीं है। अच्छा, अभी आप कहाँ पर आई हुई हैं? अभी मैं सिद्धार्थ अग्रवाल डॉक्टर पर भला, उनको उन्होंने मुझे बचाया है। डॉक्टर सिद्धार्थ अग्रवाल ने मुझे बचाया है, दवा बहुत अच्छी दे रहे हैं। क्या परेशानी है आपको? जो डायबिटीज है और पैरालिस की शिकायत 1 साल से 3 अप्रैल से 3 अप्रैल निकल गया। अच्छा, हाँ, लेकिन अब भगवान की ईश्वर की असीम कृपा से चलने लगी थोड़ा बहुत। अस्पताल में आप क्या दिखाने आई थी अपने आप? मैं अपनी दवाई लेने आई हूँ सिद्धार्थ अग्रवाल पे, सिर्फ डायबिटीज की पर्चा है मेरे पास। मुझे चक्कर आ गया, दीदी ने मुझे उठाया, निकल में गिर पड़ी। आपका है ये जो रो रही है, जो परेशान है, वो कौन है आपकी? अम्मा। अच्छा, इनको कौन परेशान करता है? आपकी मम्मी परेशान करती हैं? हाँ। क्या कहती हैं आपकी मम्मी? मर जा जल्दी। आपको अच्छा लगता है जब वो ये कहती हैं? नहीं। तो आपने कभी अपनी मम्मा से या पापा से कहा कि दादी से ऐसा क्यों कहती हो? आप कहा है कि मम्मा कहती हैं कि मैं क्या, तुम मेरी बेटी हो तो उनकी चमची क्यों बनती हो? अच्छा, मैंने तुम्हें पैदा किया कि उनने? ये कहती हैं मम्मा तुम्हारी? अच्छा, तो तुम्हें बुरा लगता है ये कहती हैं तुम्हारी मम्मा तुम्हारी दादी से? मेरा नाम है निदा। निदा जी, क्या हुआ था, क्या आपके सामने हुआ जो आपने देखा? फिर दरअसल मैं बाहर गई थी कुछ काम के लिए, तो मैंने हॉस्पिटल के बाहर इन्हें गिरा हुआ देखा, तो इंसानियत के नाते मैंने उठाया और इनसे पूछा, अम्मा क्या प्रॉब्लम है आपको, आप यहाँ गिर गई? और फिर उनकी कंडीशन ऐसी हो रही है कि उनके पाँव में ना तो चप्पल है ना ही उनके पास दुपट्टा है। तब वो रोने लगी कि मुझे घर से निकाल दिया है, मैं बीमार हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, उनकी कंडीशन देख के भी ऐसा लग रहा है। तो फिर मैंने इसीलिए मैं उन्हें हॉस्पिटल के अंदर लेकर आई, फिर जो मुझसे बनता है मैं उनके लिए करती हूँ। और इंसानियत के नाते सभी लोगों को ये करना भी चाहिए, जबकि देश में ये चल रहा है बेटी बचाओ बेटी बचाओ, बेटी को तो बचा लेंगे लेकिन जो माओं के साथ गलत हो रहा है उनको कौन बचाएगा? उनके लिए भी तो कुछ होना चाहिए। इनके साथ कौन गलत कर रहा है? इनकी बहू गलत कर रही है। क्या गलत कर रही है भाई? जब मार रही है, घर से निकाल रही है, गलत नहीं है? जब उनको खाना नहीं मिलेगा टाइम से, उनको दवा नहीं मिलेगी, उनको इलाज नहीं मिलेगा, तो वो इस तरह से रोडों पे ही पड़ी रहेंगी ना। तो इससे आप क्या 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 अपील करना चाहेंगे? मैं ये चाहती हूँ कि इनकी बहू जो है उसके साथ में कार्रवाई होना चाहिए, उसने जो किया है उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए और इनका अम्मा का इलाज होना चाहिए। मैं ये चाहती हूँ।
जो इनके साथ गलत हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। इनके साथ क्या, किसी भी माँ के साथ गलत नहीं होना चाहिए।